दोस्तों, आप लोगों ने जब से YouTube स्टार्ट करना शुरू की है, जब से आप लोगों ने YouTube पर सर्च करना शुरू किया है, जो जो आप लोगों ने YouTube पर सर्च किया है वो सब मुझे आज पता चल गया है। दोस्तों, ये आपको शौक लगा है, मुझे पता है आप लोगों के लिए ये शॉकिंग बात मैंने कर दी है। दोस्तों, हिस्ट्री के बारे में यहाँ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हिस्ट्री हिस्ट्री से तो सभी लोग वाकिफ हैं, हिस्ट्री क्या होती है। जैसे ही आप लोग इंटरनेट पर कुछ ब्राउज करते हैं तो आप जल्द से जल्द हिस्ट्री उसकी डिलीट करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हिस्ट्री हमारी डिलीट हो जाए, यहाँ से किसी के सामने ना आए। दोस्तों, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, तो इसी प्राइवेसी को लेके आप लोग यूट्यूब पर या इंटरनेट पर सर्चेस करते हैं, जिसमें आप लोगों की जो हिस्ट्री है वो स्टोर हो जाती है। हिस्ट्री का एक फ़ायदा भी होता है कि हिस्ट्री जैसी आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, तो आप कभी भी उस हिस्ट्री को अगर आप डिलीट ना करें तो उसी पे जाके आप अपना पुराने वाला पेज ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री की बात करूँगा, हिस्ट्री की वजाहत करूँगा। आप लोगों ने इंटरनेट पर गूगल क्रोम के ब्राउज़र पर तो हिस्ट्रीज वगैरह देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूट्यूब की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। जी हाँ लोगों, आप लोगों ने सही समझा कि जैसे जैसे हिस्ट्री हमारी ब्राउज़र पर सेव हो जाती है, इसी तरह हिस्ट्री हमारी यूट्यूब पर भी सेव हो जाती है। जो जो हम उसके ऊपर सर्च करते हैं, जो जो चीज़ें हम लिखते हैं, जो जो चीज़ें हम सुनते हैं, जो जो चीज़ें हम देखते हैं, वो सब हिस्ट्री के तौर पर एक पेज पर जमा हो जाती है और वही हमारा रिकॉर्ड यूट्यूब वालों को चला जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब की हिस्ट्री को डिलीट करना और उसे मैनेज करना सिखाऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं अनस कंप्यूटर एंड ग्राफिक। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल अनस कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना वक्त गवाए हमारे चैनल अनस कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ब्राउज़र पर जाना है। मैं यहाँ गूगल क्रोम का यूज़ करूँगा। दोस्तों, एक तो हिस्ट्री होती है हमारे ब्राउज़र की, जो कि हम ब्राउज़र में या यूसी ब्राउज़र में अपने एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह में यूज़ करते हैं इंटरनेट, उसकी हिस्ट्री होती है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो यूट्यूब के हवाले से, इसमें मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब की हिस्ट्री को शो करना, उसे मैनेज करना और उसे क्लियर करना सिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर एड्रेस बार में लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ YouTube.com। जैसे मैंने इसके ऊपर YouTube लिख के सर्च किया, कुछ ही देर बाद हम लोगों के सामने YouTube का होम पेज शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने YouTube का होम पेज शो हो गया है। अब इसमें पहले तो हम सर्च करके देख लेते हैं कोई भी चीज़। मैं अपने चैनल का नाम सर्च करता हूँ अनस कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स, या मैं लिखा अनस कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स और मैंने इसको इंटर कर दिया। दोस्तों, जैसे मैंने इंटर किया, सबसे ऊपर वाला पेज जो मेरा है अनस कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स, उसका नाम लिखा हुआ है। 68 सब्सक्राइबर हैं और 104 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं ऑन दिस चैनल के ऊपर। ये मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इसकी कोई भी वीडियो को देख लेता हूँ। ये मैं इसकी वीडियोस में गया और वीडियोस में जाने के बाद मैं कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, ताकि उसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये किस तरह से सेव होती है, किस तरह से शो की जाती है। यहाँ हमारी जो वीडियो है, हाउ टू मेक महफिल मिलाद उर्दू फ्लैक्स डिज़ाइन इन कोरलड्रा 9, ये हमारी ओपन हो गई है और ये चल रही है। इसका मैं साउंड बंद कर देता हूँ और ये चल रही है। इसे थोड़ी देर देख लेते हैं ताकि जो हमारी हिस्ट्री है वो सेव हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं दूसरी कोई वीडियो ओपन कर लेता हूँ।
हाउ मच अ यूट्यूबर अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ये मैं कुछ देख लेता हूँ ताकि इसकी भी जो हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये किस तरह से सेव हो गई है, यूट्यूब ने किस तरह से इसे पिक कर लिया है। ये भी वीडियो हमारी चलना स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह ऊपर मैं सर्च बार में कुछ और टाइप कर लेता हूँ अपने चैनल से हट के थोड़ा सा, जैसा कि मैं स्पोर्ट लिख लेता हूँ। ये लिख के मैंने इस पर सर्च किया, कुछ ही देर बाद हमारे पास स्पोर्ट का रिजल्ट यूट्यूब शो कर देगा। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इस वजह से ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो मैं इस तरह से इसको यहां से मैं बंद करता हूँ। अपने यहां पर मैं इस सपोर्ट लिखकर चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, यहां से हमारा जो है सपोर्ट का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सपोर्ट का पेज ओपन हो गया है। मैंने सपोर्ट लिखा है, इसकी कुछ मैं कुछ देख लेता हूँ वीडियोस को प्ले करके। आवाज इसकी मैं बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि हम लोगों ने जो जो सर्च किया है, जो जो देखा है, जो जो लिखा है, वो तो हम लोगों ने लिख लिया, देख भी लिया। अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री हमारी इसकी कहाँ पर सेव हो रही है। तो उसके लिए आप लोगों को क्लिक करना है यूट्यूब के आइकन पर। यहाँ मैंने YouTube के आइकन पर क्लिक किया, कुछ ही देर बाद मेरे पास YouTube का होम पेज शो हो जाएगा। और फ्रेंड, जब आप लोग YouTube के आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वीडियो आप लोगों के सामने शो होगी। तो आप लोगों ने YouTube के होम पेज के लेफ्ट कॉर्नर पर आपको 3 बार नजर आएंगे YouTube के, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड लाइब्रेरी लिखा हुआ है। इसका जो पॉपअप मेनू है उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हिस्ट्री, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले जो मैंने सर्च किया था अभी कुछ देर बाद, मैंने कीवर्ड वगैरह लिखे थे, वो सारे यहाँ पर शो हो गए हैं। मैंने आप लोगों के सामने इस वीडियो में 3 अपनी वीडियोस को देखा था। सबसे पहली जो थी वो हाउ टू मेक अ महफिल मिलाद उर्दू फ्लेक्स डिज़ाइन इन कोरलड्रा 9, ये देखी थी। उसके बाद मैंने देखी थी थोड़ी सी वीडियो हाउ मच अ यूट्यूबर अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब इन रियलिटी सोशल ब्लेड हिंदी। और उसके बाद मैंने जो एंड पर जो वीडियो देखी थी मैंने स्पोर्ट्स के हवाले से, वो थी द बेस्ट स्पोर्ट्स वाइन्स अक्टूबर 2017। ये थी मेरी वॉच हिस्ट्री। जैसे मैं नीचे करूँगा, यहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पे आ जाएगा सर्च हिस्ट्री। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे बताएगा कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें सर्च करी हैं। सबसे पहले 19 मिनट पहले मैंने यूट्यूब की हिस्ट्री सर्च की थी, और उसके बाद मैंने 5 मिनट पहले अनस्ट कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स सर्च किया था, और 2 मिनट पहले मैंने वर्ड स्पोर्ट कीवर्ड लिखा था यूट्यूब के सर्च इंजन पर। इसी तरह से नीचे है कमेंट्स, अगर हम कोई कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स की हिस्ट्री वगैरह यहाँ सेव हो जाती है। तो नीचे हम कम्युनिटी करते हैं तो कम्युनिटी पर हमारी जो है वो सारी रिप्लाइज वगैरह जो हैं, कमेंट्स और रिप्लाई पोस्ट वगैरह सारे शो हो जाते हैं। तो फ्रेंड, वॉच हिस्ट्री पर आएंगे। अगर हमने अपनी हिस्ट्री को यानी के बंद करना है तो डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो इधर क्रॉस का बटन नजर आएगा आप लोगों तो को। जैसे अब इस पर अपना माउस लेके जाएंगे तो नीचे खुलेगा रिमूव फ्रॉम वॉच हिस्ट्री, तो इसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
जैसे ही आप सारी हिस्ट्री को रिमूव कर देंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जो सर्च करें वो यहाँ पर सेव ही ना हो, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक बटन दिया गया है पॉज वॉच हिस्ट्री, यहाँ पर करके आप इसे पॉज कर सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री के बारे में कि वो किस तरह से सेव होती है और आप उसको किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से सर्च इंजन्स को आप लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से आप लोग डिलीट कर सकते हैं यूट्यूब की हिस्ट्री को। तो फ्रेंड्स, ये जो चंद एग्जांपल्स की फ़ोटोज़ हैं ये मैंने गूगल से उठाई थी, स्पॉन्सर्ड बाय गूगल है, ये गूगल ने मुझे स्पॉन्सर्ड की थी। तो इससे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल अनस कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।